एलएसी में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लेह पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की और पीका मशीन गन का निरीक्षण भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख MM नरवरे भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से हथियार व गोला बारूद भी मिले। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी सेना के द्वारा 1 आतंकी मारा गया। भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं भारत के लोगों से प्यार करता हूं और चीन के लोगों से भी। उनके खातिर शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाऊंगा। असम के कामरूप में कोविड-19 के सेंटर से 100 लोग भाग गए और नेशनल हाईवे 31 को जाम कर दिया। भागे हुए लोगों ने कहा कि कोविड-19 सेंटर में एक ही कमरे में 10 से 12 लोगों को रखा जा रहा था और खाने पीने और साफ सफाई का भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 फेस शील्ड दान किए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके सोनू सूद का आभार व्यक्त किया, जिस पर सोनू सूद ने जवाब देते हुए कहा, मेरे पुलिस कर्मी भाई बहन हमारे सच्चे हीरो हैं और जो सराहनीय काम वे कर रहे हैं उसके बदले में कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ।